तो चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और इस बार ये नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। देवी के 9 रूपों का अलग अलग पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भक्तों को सुख सौभाग्य और शौर्य प्रदान करती है। तो 9 देवियों की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा से माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। इसी तरह 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप स्कंद माता, तो मां कात्यायनी छठा स्वरूप मानी जाती है, तो मां कालरात्रि सातवां स्वरूप, सिद्धिदात्री आठवां स्वरूप, तो महागौरी नौवां स्वरूप होती हैं, जिनकी पूजा करने से तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता अमित सिंह, तो वहीं गोरखपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, आज से नवरात्र की शुरुआत और इसी के साथ हिंदू नववर्ष का भी शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में किस तरह का नजारा है, किस तरह की व्यवस्था? जी अशमा, इस वक्त हम विंध्याचल देवी के धाम पर मौजूद हैं मिर्जापुर जिले में, और अगर आप तस्वीर देखें तो विंध्यवासिनी देवी के धाम पर भक्तों का रेला उमड़ा है, भारी भीड़ है। जो तमाम मार्ग बनाए गए हैं मंदिर तक पहुंचने वाले, वो सारे जाम हैं, और मंदिर परिसर के अंदर की क्या तस्वीर है आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लगातार लोग देश भर से यहाँ आते हैं, चूंकि ये बड़ा शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ है, जहां देश भर के श्रद्धालु आते हैं। और तमाम लोग चाहते हैं कि नवरात्र का पहला दिन होता है, चूंकि आज से नव संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है, और इस लिहाज से आज के दिन दर्शन कर लें तो शायद पूरा वर्ष, जो हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष जो आज से शुरू हो रहा है, वो अच्छा बीतता है। तो देखें, लोग परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ, दूर दूर से, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, देश भर से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, देश भर के तमाम प्रदेशों से लोग आते हैं। तो आज माँ की पूजा करने के लिए लोग देश भर से यहाँ पर जुटे हैं और मंदिर में माँ विंध्यवासिनी देवी के भव्य रूप का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं, और अगर हम बात करें तो लोगों की भीड़, लोगों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मिर्जापुर का हूँ। मिर्जापुर से आज क्यों दर्शन करने के लिए? माँ की श्रद्धा थी। आप बताइए, आज किस तरह से आज पहला नवरात्र का दिन करेंगे? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। तो तमाम लोग यहाँ पर लगातार, अगर आप देखें तो ये लोगों की भीड़ है, जो लोग दर्शन करके निकल रहे हैं, और ये सिलसिला पूरे दिन भर हमको यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ अच्छा दर्शन हुआ है? कहाँ से आए? दरभंगा जिला से आए हैं। दरभंगा जिला बिहार से आए हैं? क्या क्या क्यों आज के दिन दर्शन करने यहाँ आए? हम लोग हर एक साल आते हैं। हर साल पहुँचते हैं? हाँ, हर साल पहुँचते हैं। क्या मिलता है?